हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है सदा, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी इंडिया यूरोप चैनल। एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, यहाँ पे उसको लेके बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न हैं कि यहाँ पे टी रविशंकर ने जो कहा है कि जो ये कॉइन्स हैं, जो अनट्रैक्ड कॉइन्स हैं और यहाँ पे जिनकी बैकिंग नहीं है, ऐसी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर हैं, इससे जो यूज़र्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, इनको प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या G20 नेशंस ये कंसिडर कर सकते हैं कि सभी क्रिप्टो करेंसीज को ब्लैंकेट बैन कर दिया जाए, यानी सभी क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड नहीं किया जा सकता, उनको बैन कर दिया जाए? तो यहाँ पे ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, टी रविशंकर कौन हैं? ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। तो यहां पे इनकी किसी भी स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। और यहां पे अगर आप क्रिप्टो रिलेटेड अप टू डेट रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहां पे आखिर न्यूज क्या है? तो न्यूज ये है कि यहां पे जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिन्हें उन्होंने ऑलरेडी यहां पे वॉर्न किया था, जो क्रिप्टो एसेट्स हैं इंडिया के अंदर, अगर उनको यहां पे ऐसे ही ग्रो करने दिया जाएगा तो वो यहां पे जो इंडिया की इकोनॉमी है उसके लिए एक थ्रेट बन सकते हैं, यानी इंडियन रुपी के लिए एक थ्रेट बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं, क्या यहां पे जो है G20 नेशंस जो है क्या क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देंगे? क्या बैनिंग का, हां उनके पास बैनिंग का एक ऑप्शन तो है, लेकिन यहां पे ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे G20 के अंदर ही डिस्कशन हुआ था कि किसी एक कंट्री, कोई एक कंट्री जो है ना ही क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट कर सकती है और ना ही बैन कर सकती है। और जहाँ तक बात रही इंडिया की, तो 2017 से यहाँ पे आपने RBI का जो स्टेटमेंट सुना होगा, उस टाइम भी RBI ने बोला था कि RBI ने जो कमेटी थी, जो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि क्रिप्टोकरेंसीज को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, लेकिन अभी तक क्रिप्टोकरेंसी जो है मार्केट के अंदर चल रही है और 30% टैक्स, 1% TDS के साथ अभी भी जो है क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर लाइव है। इसका मतलब यह है कि अगर ब्लैंकेट बैन करना होता गवर्नमेंट को, तो अभी तक वो बैन हो चुकी होती। और यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप क्रिप्टोकरेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अभी आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे सभी कंट्रीज के अंदर यहां पे क्रिप्टोकरेंसीज को रेगुलेट किया जा रहा है और ऑप्शंस देखे जा रहे हैं किस तरह से अच्छी तरह से रेगुलेट किया जाए। क्योंकि यहां पे जितनी अच्छी तरह से रेगुलेट किया जाएगा, हड़बड़ाहट में रेगुलेट ना करके अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, तो जो लोग, जो इन्वेस्टर्स हैं, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो पैसा है वो सेफ रहेगा और जवाबदेही तय होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मार्केट के अंदर क्रैश हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उससे क्या होगा कि यहां पे एक जवाबदेही तय होगी कि ये कॉइन आखिर क्यों क्रैश हुआ, लोगों के जो पैसे हैं वो सिक्योर रहेंगे। तो इसलिए इस चीज को टाइम लग रहा है, लेकिन यहां पे लॉन्ग टर्म के अंदर क्रिप्टोकरेंसी सर्वाइव करेगी और हर एक गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट जरूर करेगी। अब ये बात रही कि क्या इंडिया के अंदर या G20 बैन कर सकते हैं, तो अभी के टाइम में मुझे कोई ऐसा सिनेरियो जो है वो नहीं दिख रहा, लेकिन उनके पास ऑप्शन है कि वो बैनिंग का भी सोच सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? क्या क्रिप्टोकरेंसीज बैन होनी चाहिए या फिर लीगल होनी चाहिए? हाँ, मुझे पता है आपका यही होगा कि रेगुलेट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक अमर्जिंग, एक नई टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोकरेंसी, उसको जितनी जल्दी जो कंट्री अडॉप्ट करेगी उतनी जल्दी जो है वो उसका फायदा होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर सभी कंट्रीज जो है वो इसको रेगुलेट ही करेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो अनरेगुलेटेड क्रिप्टोकरेंसीज हैं, यहाँ पे अनबैक्ड क्रिप्टोकरेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम मीम कॉइन्स को ले लेते हैं, उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, बैकिंग होनी चाहिए, उसके पास यूज केस होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, तो जो है वो उसको एक सेफ क्रिप्टोकरेंसी कंसिडर किया जाएगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी और बहुत सारे लोग बोल रहे थे आप मीम कॉइन्स को ऐसा कैसे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये न्यूज़ भी निकल के आ गई। तो उम्मीद है आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इसके ऊपर, तो आप उन्हीं क्रिप्टोकरेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करने का सोचिए जहाँ से आपको अभी के टाइम में, तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म का सोच रहे हो तो ऐसी क्रिप्टोकरेंसीज में इन्वेस्टमेंट करिए जहां से आप तुरंत प्रॉफिट बना के निकल सके, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसी क्रिप्टोकरेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करिए जिनकी टीम अच्छी है, जिनकी बैकिंग है, ये सारी चीजें कंसीडर करके ही आप क्रिप्टोकरेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है सर, आप देख रहे थे क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।